साउंड क्यों नहीं आ रहा? ओह, बैकग्राउंड म्यूजिक ही नहीं है। चलो कोई ना, लगा लेंगे। तो फाइनली हमारा नया रॉयल पास आ चुका है। स्पूकी स्पिरिट्स नेम है इस बार थीम का, एंड यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मुझे पर्सनली ये फ्रैंकस्टाइन वाला जो आउटफिट ही ये पसंद आया, एंड इस बार काफ़ी अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स इन लोगों ने दिए हैं। एंड फाइनली लाइफ में पहली बार मैं जो हूँ 100 RP तक का पास परचेज करने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं 50 तक का ही करता था, क्योंकि आई नो कि मैं खेलता नहीं था, सो पैसे वेस्ट हो जाते, इसीलिए मैं नहीं करता था। यहाँ पे देख सकते हो 50 तक का, बट दिस टाइम मैं जो है 100 लेवल वाला परचेज करूँगा। सो इसकी कॉस्ट है 720, बट यहाँ पर जो है मेरे को लास्ट टाइम एक कूपन मिला था, मैंने जब UC परचेज करी थी, इन्वेंट्री में पड़ा होगा, इधर रहा, हाँ ये रहा, ये ग्रीन वाला। तो यार इससे जो है 60 UC हमारी डिडक्ट हो जाएगी अब पास अगर हम लोग परचेज करेंगे। उसको मैंने यूज़ कर लिया है, अब देखो अपग्रेड पास में मैं जाता हूँ। सो यहाँ पे जब मैं टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे तब इलाइट पास में परचेज करूँगा, तो अभी देखना तुम 60 UC डिडक्ट, यानी कि ये पास हमको सिर्फ 660 का पड़ने वाला है, तो अच्छी बात है ऐसे बच के। एंड फाइनली हमने जो है रॉयल पास यहाँ पर ले लिया है स्पूकी वाला। यार इसका थोड़ा सा इफेक्ट भी स्पूकी वाला डाल देते ना तो अलग ही इसका मज़ा होता। सो यहाँ पे 350 RP मिला है हमें, बहुत सही। और यहाँ पे पहले ये रेलते टिकट, ये तो फ्री में रहता है 3 बार के बाद, सुना है शायद 3 बार के बाद, हाँ। एंड उसके बाद मेरे पास इन्वेंट्री में भी कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पर, लास्ट बार टाइम मिला था ये लास्ट वाले पास में, हाँ ये रहा RP 250 का, इसको भी यूज़ कर लेते हैं क्योंकि एक्सपायर हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है इसका, सो इसको भी यूज़ कर लेते हैं। सो नाउ हमारी RP जो है 7 तक पहुँच गई है। तो अब बात कर लेते हैं रिवॉर्ड्स की। देखो हमने परचेज कर लिया है RP 7 तक का, कलेक्ट कर लेते हैं पहले इसको, फिर बात करेंगे कि हमें क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। इस बार जो पास परचेज नहीं करेंगे उनके लिए भी गन्स की स्किन एंड आउटफिट हैं, एंड जिन्होंने परचेज किया उसके तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये आउटफिट तुम लोग जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, काफ़ी अच्छा लगा मुझे आउटफिट। एंड उसके बाद जो यहाँ पर तुम लोग देखोगे ये मंजीरा टाइप का है, यार इसे हमारे यहाँ मंजीरा ऐसे होते थे। आगे बढ़ते हैं और रिवॉर्ड्स की तरफ। तो यहाँ पे जो है फ्री में है जो उनके लिए इमोट है, एंड जिन्होंने पास परचेज किया है उनके लिए यहाँ पे प्लेन है। वैसे अपना प्लेन तो कभी आता नहीं है क्योंकि हमसे पहले तो बाकी बंदे जो है कंप्लीट कर लेते हैं। और नेक्स्ट ये हेलमेट की स्किन, जो कि सच बोलूँ तो नहीं पसंद आया मुझे, बट ये जो नई गन की स्किन है ना, ये गन की स्किन मुझे चाहिए थी हमेशा से, ये गन की स्किन, क्योंकि इस गन की स्किन मेरे पास एक भी नहीं है। सो नाउ इस गन की भी मेरे पास एक स्किन हो गई। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं मेरा फेवरेट इस बार का, ये फ्रैंकस्टाइन। ये फ्रैंकस्टाइन का जो आउटफिट है ये इस बार का मेरा फेवरेट है, और मास्क के साथ तो यार ये एकदम बहुत ही कूल लग रहा है, मस्त एकदम। वो जो मम्मी वाला आया था ना जिसमें पूरा एकदम चेंज ही हो जाता था पूरा कैरेक्टर देखने में, सिर्फ वैसा ही है, मतलब वैसा बोल सकते हैं, अब उस लेवल का तो नहीं है बट हाँ वैसा ही है, तुम्हारा पूरा गेटअप चेंज कर देगा। फिर नेक्स्ट है यूजी की स्किन, जो कि मेरे पास बहुत सारी भर भर के है तो देने कोई मतलब तो था नहीं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 55 पे फिर से एक फ्री इमोट है, एंड जिन्होंने पास लिया है उनके लिए फिर S12K की स्किन, S12K की स्किन शायद है मेरे पास, शायद मुझे कंफर्म नहीं है बट हाँ ठीक है। और बैकपैक की स्किन भी इस बार ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं बोलेंगे इसको। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं 65 पे, तो 65 पे ये झुनझुना लटकने वाला जो है वो मिल जाता है, एंड यहाँ पे प्रोफाइल की पिक। एंड इसके बाद जो यहाँ पे हमें मिलती है बगी की स्किन, बगी की स्किन मेरे पास एक है बट वो बिल्कुल एवरेज थी, सो ये स्किन काफ़ी अच्छी है। एंड यहाँ पर जो 80 लेवल पे है यहाँ पे स्मोक का हमें ग्रेनेड का स्किन मिल रहा है, मेरे पास टन का था, फ्रैग का था, बट स्मोक का अभी से मिला है। एंड AWM की भी काफ़ी अच्छी स्किन है, मेरे पास तो वो फ्री वाली थी जो मिलती थी ना, आई थिंक टीयर पे जाने पे मिलती थी जो, वो वाली है। एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं लास्ट में, तो लास्ट में हमारे पास ये आउटफिट कंप्लीट वाला, अब इसको देखो ये देखने में तो काफ़ी सही लग रहा है, ओहो कूल है यार। एक सेकेंड, आवाज़ नहीं है क्या इसमें? अरे यार इसमें भी आवाज़ नहीं है। आउटफिट तो काफ़ी अच्छी है ये वाली भी, बहुत ही ज़्यादा नहीं बोलेंगे बट हाँ अच्छा है, इसके हेयर स्टाइल भी पसंद आया मुझे। बट मुझे एक ही समझ में आ रहा था, ये लोग सारी की सारी लड़कियों वाला क्यों देते हैं, मतलब एंड में मैंने मोस्टली देखा यहाँ पर लड़कियों के लिए ही ज़्यादातर होता है। अब मैं भी ज़्यादातर कैरेक्टर्स जो है लड़की का कैरेक्टर लेकर खेलते हूँ इस वजह से। एंड यहाँ पे एक चीज़ और तुमको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो अगर हम UC परचेज करने जाते हैं तो ये एप्पल है आईफोन, एंड इसके अंदर जो है प्राइस बिल्कुल डिफरेंट है,
देख रहे हो बिल्कुल, मतलब कि कितनी पार्शियलिटी हो रही है।